हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका टेक गुरु। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है विजिटिंग वीज़ा पर आने वाले लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे एक महीना या तीन महीने के विजिटिंग वीज़ा पर आ रहा है UAE दुबई में, तो उसको क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो बंदा विजिटिंग वीज़ा पर यहाँ पे आने वाला है एक या तीन महीने पर, वो बंदा तीन महीने का जितना सामान यहाँ पे ला सकता है उसको लाना ही लाना है, लाजमी। क्यों? तो आपको 30 kg अलाउड होता है, तो उसको पूरा पूरा यूज़ करो। ओके, 30 kg अलाउड होता है बैगेज, जो लगेज होता है आपका, और हैंड बैग में 7 kg अलाउड होता है। 7 kg उसमें लैपटॉप का वजन नहीं पकड़ते। अगर आप लैपटॉप लेके आते हो तो लैपटॉप छोड़ के 7 kg वजन, 7 kg वजन आपके हैंडबैग में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि अगर एक बंदा यहाँ पे विजिटिंग पे आता है तो उसके पास एक तो पैसा कम होता है दोस्तों, वो इतना खर्चा करके यहाँ पे आता है जॉब के लिए। ओके, तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये रीज़न है। एक्चुअली ये मेरा कंसेप्ट नहीं था, मेरे दिमाग में ये आइडिया हमारे एक व्यूअर है, एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है मिर्ज़ा साहब। तो उन्होंने मुझको ये पॉइंट मतलब सजेस्ट किया था कि इस पर कुछ हो सकता है, मतलब उन्होंने एक कमेंट डाली थी, तो उस पर से मुझको ये दिमाग में आइडिया आ गया कि इस पर एक रियली वीडियो बन सकता है दोस्तों। क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो गरीब होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत, अगर वो उसके पास पैसा भी है तो वेस्ट क्यों करना है ना पैसा, सही बात है। तो आप जब भी यहाँ पे 30 1 महीना या 3 महीने के विजिटिंग वीज़ा पर आते हो तो 30 kg वज़न आपका होता है, इसका पूरा यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं, अगर जॉब नहीं है तो आपको फर्स्ट टाइम आप इंडिया से यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत महंगी लगती है। नॉर्मली चीज़ें एक दिरहम में मिलती है, ठीक है। तो आप सोचोगे यार इंडिया में तो इतना महंगा नहीं है, यहाँ की ये लाइफस्टाइल ही है दोस्तों। अगर आपकी सैलरी हो तो आपको कुछ नहीं लगता है, मगर आप यहाँ पे विजिटिंग पे आते हो इसलिए आपको शायद शॉक लग सकता है कि यार इतनी महंगी। तो आपको यहाँ आने टाइम आपके 3 महीने के कपड़े लेके आने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ खरीदना नहीं है आपको जब तक जॉब नहीं लगता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, साबुन, जो सोप होता है वो, देन डिटर्जेंट पाउडर जो क्लॉथ वॉशिंग के लिए लगती है, ठीक है। देन आप जो CV बनाने वाले हो, CV की जितनी सारी प्रिंट आप वहाँ से निकाल सकते हो निकाल लो। क्यों? क्योंकि CV भी यहाँ पे प्रिंट अगर करना है तो आपके पैसे बहुत जाते हैं दोस्तों। नॉर्मली एक प्रिंट को आधा दिरहम लेते हैं, आधा दिरहम मतलब हो गए 8 से 10 रुपये। तो अच्छा है, बेहतर है कि आप CV अपनी कंट्री से, मतलब जहाँ से भी आप हो वहाँ से प्रिंट कर लो, ठीक है दोस्तों। CV प्रिंट करने टाइम एक चीज़ पर गौर करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है ना उसको ब्लैंक छोड़ना है दोस्तों। क्यों ब्लैंक छोड़ना है? तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ का लोकल नंबर आपको मिल जाएगा, वो नंबर आपको ब्लैक पेन से वहाँ पे लिखना है हाथ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई? मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके, CV निकाल लिया, सब चीज़ें, थोड़ा खाने का सामान लाइए। अगर यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा दिन कैसा खाने पे भी यहाँ पे खर्चा होता है, क्योंकि आप लोगों को जॉब नहीं होता है दोस्तों, तो छोटा भी खर्चा आपको बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। तो जितनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ला सकते हो, मतलब 3 महीने आपको गुजारा करने के लिए, तो 30 kg में आप लेके आ जाओ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके थोड़े पैसे बच जाए, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत जाएगा, नहीं तो आप आओगे खाली बैग लेके कपड़े लेके तो सब स्टार्टिंग हो जाता है। मतलब शैम्पू लेना है तो उसका भी 500 dirham की बोतल आती है, वो 500 dirham नहीं, सॉरी 500 रुपये, ठीक है। तो आपको लगेगा इसको 500 रुपये, तो इसलिए ये शौक आपको यहाँ पे ना लगे, इसलिए वो सब चीज़ें आप इंडिया से, और नहीं तो आप जहाँ से भी हो वहाँ से लेके आइए। खाने का थोड़ा सामान, पिकल चाहिए, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती है लेके आ जाओ। जो 30 kg वज़न होता है ना उसका आपको पूरा पूरा इस्तेमाल करना है दोस्तों, बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। लगेज के बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स हो
कि लगेज में क्या लाना है क्या नहीं लाना है। ला तो सब सकते हैं मगर हैंडबैग जो होता है उसमें आप लोग लिक्विड नहीं ला सकते हो, ठीक है। लिक्विड जो होता है वो पूरा लगेज में डालना है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं लाना है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। देन हैंडबैग में लिक्विड नहीं लाना है, पेपर्स रख दो, क्लॉथ्स रख दो, लैपटॉप रख दो, कोई मुश्किल नहीं। लगेज में आपको पूरी चीज़ें डालना है दोस्तों, ठीक है। कोई कमेंट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे, मतलब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपने अगर नहीं किया है। आपको अगर वीडियो हमारे देखने या आगे जाके या पीछे वाले, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।